हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्टे होम एंड बी सेफ। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8-9 करेंगे, 9th एंड 10th करेंगे, चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स का जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 1.1, उसके सवाल हम 9th और 10th करेंगे। 8 तक हमने कर लिया था, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स जो शुरुआत के जो मैंने पहले वीडियो में सेकंड क्वेश्चन कराया था, तो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट जो था वो सेपरेट का था, है ना। तो सेपरेट के क्वेश्चन में जब एडिशन में तो क्या होता है, एडिशन में तो जो नंबर होता है उसको ऐसे चीज लिख देते, बीच में प्लस लगा देते, कोई आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने एक मिस्टेक कर दी थी, इसलिए आंसर जो था 80 है, बट आंसर जो है 88 माइनस का आ रहा था। वो क्यों आ रहा था? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था 32 फ्रॉम -56, ये लिखा था, और हमने ऐसे 32 और -56 लिख के बीच में माइनस लगा दिया था। लेकिन सबट्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फ्रॉम जब होता है तो पीछे वाला नंबर आगे लिखा जाता है। एडिशन में तो चलता है कि आप कैसे भी जैसा दिया हुआ ऐसे लिख दो, बट एडिशन में इतना सा फर्क से भी साइन बदल जाता है। जैसे हमारा आंसर 88 है तो माइनस का आ रहा था, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने इसको बाद में देखा था, इसलिए मैं आपको करेक्शन करवा रहा हूँ। तो देखिए, -56 पहले लिखा जाएगा और सेपरेट कह रहे हैं, तो फ्रॉम यानी इसमें से जा रहा था, -56 में से माइनस करना था हमें 32। तो ये इस तरह से होगा, हमने क्या किया था, इसको पीछे और इसको आगे लिख दिया था, तो 32 जो था प्लस का हो गया था। तो इतनी सी मिस्टेक से आंसर बदल गया था। अब देखिए कि माइनस और माइनस है तो प्लस होता है, तो दोनों को जोड़े तो 6 और 2 8, और 3 और 5 और 3 8 88। लेकिन दोनों माइनस के तो आंसर भी माइनस का 88 रहेगा, लेकिन हमारा आंसर प्लस का 88 आ रहा था। क्यों? क्योंकि 32 आगे था, 56 पीछे था, है ना, और फिर माइनस का साइन एक और लग गया था, तो 56 जो है माइनस से प्लस का बन गया था, तो उस प्लस की वजह से आंसर 88 आ रहा था। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो हमें ये करेक्ट कर लेना है, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमें गलतियों से घबराना नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है, अगर मिस्टेक करेंगे तभी तो हम सीखेंगे, है ना। तो ये नहीं, अभी जैसे मेरे से मिस्टेक हो गई थी, तो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, आपसे भी होती है, तो आपको ये नहीं कि हम मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, मिस्टेक तो होनी चाहिए। अगर मिस्टेक आप करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, आपको लगेगा कि हाँ ये मिस्टेक क्यों हुई, कहाँ हुई, आप उसको वापस करेक्ट करोगे, नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक नहीं करोगे। तो आपको मिस्टेक से घबराना नहीं कि नहीं मेरे से नहीं होगा ये क्वेश्चन, मेरे से होगा ही नहीं, करेंगे नहीं। कई बच्चे ऐसे होते कि नहीं ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा, मेरे से होगा भी नहीं, ऐसे नहीं करना। हमें ये नहीं सोचना कि हमसे होगा ही नहीं, हमसे होगा, हम वापस उसको प्रैक्टिस करेंगे, वापस उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब जरूर होगा हमसे, है ना। इसलिए मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग बताते हैं कि सर यहाँ पे ये आंसर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, हो सकता है मेरी मिस्टेक हो, या हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियोस इसे अच्छे तरह से देखते रहिए, समझिए, और उसको कोई क्वेरी हो तो मुझसे जरूर पूछिए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, जैसे हमने सेकंड कर लिया। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आज हम करेंगे। 9th का मैं फर्स्ट पार्ट आपको समझा रहा हूँ, और 10th का सेकंड पार्ट, ये दो मैंने चूज किए, इसका एक पार्ट होमवर्क में रहेगा और इसका फर्स्ट पार्ट होमवर्क में रहेगा। ठीक है, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट होमवर्क में रहेगा। अब देखिए कैसे करना है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू, यानी कि आपको इन नंबर्स को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो ब्रैकेट होता है, इस टाइप से भी ब्रैकेट होता है, है ना, बट ये जो लाइन दे रखी है ब्रैकेट की नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू की साइन है। आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, है ना, कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है और एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन क्या होता है, इस तरह का जो साइन होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है। और एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन के अंदर कोई भी वैल्यू हो, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हट जाता है तो वो वैल्यू प्लस में ही लिखी जाएगी, माइनस का साइन नहीं रहेगा, चाहे माइनस का हो तो भी प्लस में, और पहले से अंदर प्लस में तो भी वो प्लस में ही लिखा जाता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, इस वैल्यू को लिखिए 3। अब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन अगर हटा देता हूं 4 से, तो ये जो 4 है ये माइनस से प्लस का बन जाएगा। अब ये प्लस का साइन लिखेंगे ऐसे, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू का भी मैं साइन हटा रहा हूं, तो साइन हटाने के बाद ये जो माइनस का प्लस, माइनस का 5 है ये बाहर निकल के प्लस का 5 बन जाएगा। अब ये माइनस का साइन तो लेंगे, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन आ रहा है फिर से, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन मैं हटा दूंगा, तो ये 4 जो माइनस का ये प्लस का 4 बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक बार सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटाया, आपको भी सेकंड वाला इसी टाइप से करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर माइनस के नंबर हो कुछ ज्यादा तो माइनस माइनस के नंबर हम एक साथ जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस के एक साथ। अब यहाँ पे माइनस का नंबर तो सिर्फ ये 4 है, बाकी ये तीनों प्लस के, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है। तो आप क्या करोगे, एक बार इन तीनों को एक साथ जोड़ लेंगे, तो 7, 4 + 3 = 7, 7 + 5 = 12 हो रहा है, और माइनस के नंबर को हम अलग रखेंगे। ठीक है, तो हमने प्लस प्लस के नंबर को एक साथ जोड़ लिया, माइनस का अलग है। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, मैंने क्या समझाया था, प्लस माइनस माइनस होता है, यदि दो साइन डिफरेंट है तो माइनस नहीं होगा। तो फिर 12 में से 4 गए,
माइनस किया तो 112 में से 4 गए तो 8 बचे। अच्छा साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है आंसर में, तो इन दोनों में नंबर बड़ा कौन सा है 12, तो 12 प्लस का तो आंसर भी प्लस का रहेगा, तो ये आपका 8 आंसर इस तरह से आ जाएगा। इसी टाइप से आपको 9th का सेकंड पार्ट करना है, कोई टफ नहीं है, ठीक है, आप करिएगा, नहीं होगा तो आप उससे पूछिएगा वापस, कमेंट करिएगा कि भाई सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आप समझा दीजिए, मेरे से नहीं हुआ है। आप पीछे से आंसर मैच करते रहिएगा, आपको आंसर की भी दे रखी है, जिससे आंसर की से क्या होगा, अगर मैंने गलत किया या कहीं पर कोई मिस्टेक रह गई साइन की तो आप मुझे कह सकते हो सर इसमें तो आंसर माइनस का आ रहा है प्लस का आ रहा है, आपने बताया था। अब सेकंड जो है 10th क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाई से आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंप्लीफाई कहे चाहे फाइनल वैल्यू पे मतलब एक ही होता है कि आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको सिंप्लीफाई मतलब उसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे तो ये जो है ये ब्रैकेट है, ये जो था ये एब्सोल्यूट का साइन था, अब ब्रैकेट होता है और एब्सोल्यूट एलिमेंट फॉर एब्सोल्यूट का अर्थ ही पॉजिटिव नंबर बन जाता है, और ब्रैकेट में क्या करना है आपको, ब्रैकेट तो माइनस के लिए लगाया जाता है, और अब देखिए यहाँ पर एक साइन है दूसरा बाहर भी एक साइन है नंबर की, जब दो साइन आपस में पास में हो तो मैंने क्या कहा था सबसे पहले साइन सॉल्व होते हैं, ठीक है, तो आपको साइन को सॉल्व करना है उसके बाद ही आप नंबर को सॉल्व कर पाएंगे, तो ये माइनस का 15 तो हम ऐसे भी लिख देंगे, इसके आगे कोई नंबर नहीं इसलिए हम माइनस खुला रख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों साइन आपस में पास पास है तो प्लस माइनस क्या बनता है माइनस, फिर 63 लिख देंगे, अब इसका ब्रैकेट भी हट गया। अब यहाँ पे भी दो साइन पास पास है लेकिन कौन कौन से है माइनस माइनस, जब सेम साइन होता है तो क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे याद रखना है सेम साइन प्लस होता है, चाहे वो प्लस प्लस हो तो भी प्लस, माइनस माइनस हो तो भी प्लस, आप 45 ऐसे भी लिख देंगे। अब देखिए एक प्लस एक माइनस है, ये भी दोनों साइन आपस में पास पास है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इस तरह हमने पहले साइन सॉल्व कर लिया। अब साइन सॉल्व करने के बाद आपको नंबर सॉल्व करना है, वो भी साइन के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ क्या बताया था कि हम प्लस प्लस नंबर को हम एक साथ जोड़ लेंगे, उसी टाइप से यहाँ पे माइनस के नंबर ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, ये देखो 15 माइनस का है, 63 माइनस का है, 16 माइनस का है, बस ये अकेला 45 प्लस का है, तो हम 45 को जोड़ेंगे और माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है, तो माइनस को जब मैंने एक साथ जोड़ा 15, 63 और 16, ये तीनों माइनस के नंबर है और माइनस माइनस आपस में जुड़ सकते हैं, माइनस माइनस बस एक प्लस होता है, तो मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूँ 5, 3, 8, 8 और 6, 14 का 4, 1 कैरी, 6, 7, 8, 9, 94 आ रहा है, और तीनों माइनस के थे तो आंसर माइनस का ही रहेगा, तो ये हमारे माइनस के जब मैंने इन तीनों को जोड़ा तो आंसर आ रहा है 94, माइनस का 94 और प्लस का एक नंबर बचा है 45 को मैं जल्दी लिख देंगे, तो इन तीनों का जो टोटल आया वो 94 आया माइनस का और 45 प्लस का। अब देखिए एक माइनस का नंबर एक प्लस का नंबर है, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, 94 हो ही रहा है तो आपको माइनस क्या करना 45 माइनस करना, ये नहीं कि प्लस क्या कर देना 45 तो प्लस होना चाहिए, नहीं, साइन के अकॉर्डिंग नंबर में सॉल्यूशन करना है, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, तो 94 में से 45 माइनस कर देते हैं, 4 में से 5 नहीं जाता 14 हो गया, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे 8 हो गया तो 8 में से 4 गया 49, तो 49 हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन मैंने एक बात और कही थी कि आंसर में उसी का साइन आएगा जो नंबर बड़ा होगा, तो दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 94 बड़ा है, तो 94 के आगे क्या है माइनस, तो ये हमारा आंसर माइनस का होगा, इसीलिए मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया ताकि एक आपको पॉजिटिव आंसर का दे दूं एग्जांपल, एक आपको नेगेटिव आंसर आया किस तरह इसका एग्जांपल दे दूं, तो इस तरह से मैंने आपको 10th क्वेश्चन भी समझा दिया। अब आपको क्या करना है, 9th का फर्स्ट तो मैंने कराया, सेकंड आपका होमवर्क रहेगा, 10th का सेकंड किया फर्स्ट आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये आपका सीजन ओवर हो गया और एस टू इसके रिमेनिंग पार्ट होंगे, ठीक है, वो मैं अभी नोट डाउन कर देता हूं, पहले आप ही नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों ने ये सीडब्ल्यू नोट डाउन कर लिया होगा, और ये आपका मैंने होमवर्क नोट डाउन कर दिया, आपको क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट और 10 का फर्स्ट पार्ट करना है होमवर्क में, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपकी जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी 1.2 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।